आज की प्रॉपर्टी में मैं आपको दिखाऊंगा एक विला जो बहुत शानदार लोकेशन पर बना हुआ है। ये जो जगह है नैनीताल में पड़ती है, बहुत शानदार जगह पर है। आप देख सकते हैं सामने ये रोड है और मेन हाईवे से लगी हुई जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोडवेज भी चलती है, तो ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अपने ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं और यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चलता है तो उससे भी आप आ सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये वाला होटल भी बिकाऊ है, पर इस होटल की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत शानदार विला, बहुत ही सुंदर जगह पर है। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार लोकेशन है। ये मेन हाईवे से लगी जगह है और मेन हाईवे से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। और दोस्तों ये जो जगह है इसका नाम है जोलीकोट, जो नैनीताल से मात्र 20 से 25 मिनट की दूरी पर पड़ता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की रोड है। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएंगी और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए अपने विला को देखते हैं, अंदर की साइड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ अप्रोचेबल रोड है जहाँ पर आप अपनी 4-व्हीलर को ले जा सकते हैं। और इसके बराबर में यहाँ पर एक गधेरा है जहाँ पर हमेशा पानी बहता रहता है 12 महीना। चलिए अपने विला के अंदर चलते हैं। तो इस प्रकार की कुछ रोड है, आप देख सकते हैं नीचे की साइड में किस प्रकार से यहाँ पर रोड बनाई गई है ताकि गाड़ी फिसले ना। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही बड़ी जगह में ये विला बना हुआ है। इस प्रकार का कुछ गेट है, गेट के अंदर हम एंट्री करेंगे और आप देख सकते हैं 4-व्हीलर ले जाने के लिए काफी अच्छे से रोड को डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ अप्रोचेबल रोड है, बहुत ही शानदार रोड है। दोनों साइड में आप देख सकते हैं रिटेनिंग वॉल कराई हुई है। बहुत ही अच्छी जगह पर ये विला बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 2 विला बने हुए हैं, एक इधर की साइड में है एक उधर की साइड में। तो काफी शानदार, काफी अच्छा, काफी रीजनेबल प्राइस में ये विला होने वाला है। तो इसकी जो जमीन है मैं आपको बता दूं 8 नाली जमीन होने वाली है। आप देख सकते हैं ये इसका पार्क का एरिया है और आसपास का व्यू मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार की कुछ लोकेशन है। सामने की साइड में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, अभी बीच में जो सेकंड फ्लोर है वो रुक गया है, ग्राउंड फ्लोर में केवल बना हुआ है। ऊपर की साइड में जो ओनर है शायद वो बना रहे होंगे, उन्होंने बीच में रोक दिया। फ्रेंड्स इसके जो ओनर है वो बाहर रहते हैं, वो इसलिए इसको बेचना चाह रहे हैं। इनकी फैमिली सब कनाडा में रहती है तो इनको ये अर्जेंट सेल करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार लोकेशन पर ये विला है। इधर की साइड में आप देख सकते हैं अगर आप कुछ ऑर्गेनिक कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये तेजपात का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है जिसको हम अपने घर में सब्जी में डालते हैं, जैसे उड़द या फिर कोई भी मिक्स वेज वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं। एक तेजपात का पौधा इधर की साइड में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी तेजपात का पौधा है। और फ्रेंड्स सामने की साइड में यहाँ पर नाशपाती के, आम के बहुत शानदार पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है फ्रेंड्स, पूरा ग्रीनरी इन्वायरमेंट है आसपास में, बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर जो प्लांट है उसकी जो स्मेल है, जो उसकी खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आसपास में देवदार के, चीड़ के पेड़ मिल जाएंगे और तेजपात का पौधा, नाशपाती के पौधे, आम के पौधे, आम का पौधा है सामने देख सकते हैं ये लगा हुआ है। इस प्रकार की जगह है। और फ्रेंड्स आसपास का जो व्यू है बहुत ही शानदार व्यू है। ये अभी जो इसकी हालत है थोड़ी ऐसी हो रखी है क्योंकि ओनर यहाँ पर रहते नहीं है, जो केयर टेकर है उन्होंने ज्यादा खास यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है मैं वीडियो को लास्ट में डाल दूंगा। इधर की साइड में आप देख सकते हैं काफी सुंदर जगह है। चलिए एक बार ऊपर की साइड में चलकर देख लेते हैं ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। ये वाला रूम मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर्दा दिख रहा है, परंतु दोस्तों अंदर की साइड में हम जाने की हमें चाबी चाहिए होगी, वो हमारे पास अभी है नहीं। तो आप देख सकते हैं काफी चौड़ी स्टेयर केस है, लगभग 10 से 11 फीट की स्टेयर केस यहाँ पर बनाई हुई है। ये देख सकते हैं ओनर ने यहाँ पर पिलर बना दिए हैं पर पूरा कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कराया है और काफी शानदार, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो बीच में रुक गया। ये आसपास का व्यू है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सरिया इसमें लगाया गया है,
बहुत सरिया लगाया गया है, पिलर बीम सब बड़े अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। आप चाहे तो इसको लेके ऊपर की साइड में दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं। इधर की साइड में ऊपर के जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, आप देख सकते हैं। चलिए एक बार ऊपर की साइड में चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हिरन देखने को मिली है, उधर की साइड में हिरन अभी घूम रही थी, अभी मेरे को आवाज आई जो काफी तेज भागी है। इधर की साइड में आप देख सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, आरओ। पूरा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में मकान बना दिया हो, बहुत ही सुंदर जगह है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यहाँ पर हिरन घूम रही है तो कैसी जगह ये होगी, सामने की साइड में आप देख सकते हैं। चलिए एक बार नीचे की साइड में चलते हैं और आसपास की जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, तो लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के लास्ट में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फीट लगभग, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसको डिजाइन किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई रहता नहीं है इसलिए इस मकान की थोड़ी हालत ऐसी हो रखी है, परंतु कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले में नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पर कॉल कीजिएगा और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा ना। फ्रेंड्स इस प्रकार की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे विला कॉटेज जमीनें कॉमर्शियल लैंड रेजिडेंशियल लैंड मैंने डाले हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। फिर से मिलेंगे इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सबको धन्यवाद।